प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सोमवार सुबह वाराणसी दौरे पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने वाराणसी से लगे मिर्जापुर जिले में बने यूपी के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। मिर्जापुर के दादर कला में बने सौर ऊर्जा परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। 75 मेगावाट के इस सोलर प्लांट पर करीब 560 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इस सोलर प्लांट से रोजाना 5 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जिसे करीब 1.5 लाख परिवारों को बिजली मिल सकेगी। ये सोलर प्लांट करीब 388 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। इस प्लांट को नेशनल ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक मौजूद थे और इस उद्घाटन के गवाह बने। केंद्र की बीजेपी सरकार हर गांव में बिजली पहुंचाने के अपने वायदे को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी देश के कई गांवों में बिजली के पोल नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ गांवों में सालों से पोल हैं लेकिन वहां बिजली नहीं पहुंची। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मिर्जापुर।